Good morning guys, welcome back to our channel Life of Meth. खूब सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, enjoy कर रहे होंगे अपनी life को. और अभी जहाँ तक हर जगह winter आ ही चुका है, Canada में भी winter लग चुका है, India में भी winter लग चुका है. मेरी dad से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी ठंडा मौसम start हो चुका है. जा रहे हैं शिनॉय को थोड़ा धूप में घुमाने, मॉर्निंग वॉक में जा रही है, ये बात अलग है, आफ्टरनून मॉर्निंग वॉक ही है यार. ऐसा है जब जागो तब सवेरा और जब सो जाओ तब अंधेरा. सो यहाँ पे ठंडी आ चुकी है, बट मैं थोड़ा काम कर रहा था लैपटॉप पे और एज पर द पेरेंटल लीव थर्ड डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ज़्यादा ज़रूरी है. सो बस मीनू की बात मान के निकल पड़े. मौसम काफ़ी साफ है वैसे, लेकिन ठंडी है. कनाडा का सबसे बड़ा मतलब वो कहते हैं छलावा जिसे कहते हैं. अभी आप देखोगे बाहर बढ़िया इतनी अच्छी धूप है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको समझ में आ जाएगा कि धूप वो सिर्फ दिखावा है, ठंडी भर के पड़ी है. इतनी प्यारी धूप है, इतना क्लियर वेदर है, मतलब बादल एकदम साफ है, लेकिन और शिनॉय का समझ में नहीं आता, जैसे ही गाड़ी में बैठाओ उसे वो सोने ही लगता है. मौसम में कहीं घूमने जाओ लॉन्ग राइड पे मजा ही कुछ और है. इतना क्लियर वेदर, सो ये है QH हॉस्पिटल. और QH हॉस्पिटल के पास किसी को जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, कुछ भी करना है, काफ़ी खाली स्पेस है. सो यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग ओवर हियर. काफी डल था और मतलब काफी ज्यादा ठंडी थी, 1 degree यहाँ पे चल रहा था, लेकिन आज सही है. टुडे 7 degrees Celsius. चेयर पे बैठा था, वो अपने बच्चे को लेकर बैठा था. हम बोल रहे थे कि यार जब शिनॉय आएगा तो हम भी ऐसे ही आएंगे. मतलब तब मालूम नहीं था कि शिनॉय होगा या शिन्नी हो गई लेकिन हमने सोचा था कि जब आएगा तो यहाँ का हो सकता है समर टाइम चल रहा हो तो और यहां आएंगे वॉकिंग. हम यहाँ पर पहले वैसे हम आते थे ना यहाँ वॉकिंग करने, पहले हमें था यहाँ. अरे दौड़ लगाने भी आते हैं कभी कभी, महीने में एक बार. नहीं नहीं अब मैं रेगुलर करूँगा दौड़ लगाना. हर बार यही बोलते हो आप, तो हर बार बोलते रहना चाहिए ना, यू नो बी पॉजिटिव. और ये है शिनॉय, ये आते ही बढ़िया से सो गए हैं. अच्छा हम तो आते रहते हैं, पहले काफी आते थे, अभी अगले में से नहीं आए थे जब से शिनॉय आया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम शिनॉय को लेकर आए हैं.
कि वेदर आज ठीक है, सनी है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उसे भी थोड़ा दूध दिखा कर लाते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी, एक्चुअल विटामिन डी विद लिटिल बिट कोल्ड। पहले काफी ग्रीनरी थी, अभी थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि बहुत सीजन जैसे आ गए, पतझड़ सावन, पतझड़ सावन लग गए इधर पर। कोई है ठंड है, हवा चल रही ठंड क्योंकि इधर पानी है इसलिए हवा थोड़ी ज्यादा ठंड है। पानी है और रियलिटी में जो 7 degrees का वेदर है आप इमेजिन नहीं कर सकते। व्हेन आई वाज इन इंडिया तो मुझे मतलब अगर अभी भी हमें हमारे इंडिया में अगर जो टेम्परेचर है 19-20 degrees पहुंच जाए तो लोगों को बहुत ठंड लगने लगती है। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने सिर्फ एक जैकेट डाला और एक अंदर जो है वो कपड़ा है, बस दैट्स इट। बट 7 degrees Celsius है, लेकिन जब आप रहने लगते हो ना वैसी जगह पे तो आपको आदत हो जाती है उतने टेम्परेचर में, इसीलिए सुना है कि भी हैबिट बना रहे अभी से। तो क्या है कि इनिशियली अगर हैबिट बन जाए तो अच्छा हो जाता है। हमने यहाँ, हम पहले यहाँ वॉकिंग करने भी आते थे और लास्ट टाइम हम लोग ने जो फोटो शूट किया था वो भी यहीं पे, टनल फोटो शूट वो भी यहीं किया था। तो काफी ग्रीनरी थी, अभी तो कम हो गई, लेकिन उस टाइम ऐसा कलरफुल वेदर नहीं था जैसा कि अभी। सरकार सो रही है, जैसे बाहर निकलता है ना वो, जैसे इसको कार सीट में डालो सो जाता है। उसे बहुत प्यारी है अपनी कार सीट। हाँ उधर गए थे ना, उधर तक जाएंगे, चलो। वास्तव में यहाँ थे बहुत सारे पेड़ दिख रहे थे, गुलाब के बहुत सारे। अपने यहाँ क्या होता है कि हम लोग घर पर गुलाब लगाते हैं ना, यहाँ पे रहता है कहीं भी गुलाब दिख जाते हैं, उस टाइम बहुत सारे थे, अभी नहीं पता। अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:30 कुछ हो रहा है शायद, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा, लग रहा है कि मॉर्निंग सुबह भी होगी 8 बजे। हाँ। मुझे आज भी याद है, अभी मैं थोड़ी देर पहले घर पे फोन लगाया था तो मैं बात कर रहा था कि क्या होता था विंटर टाइम में, अक्सर क्या करते हैं लोग घरों पे रहना पसंद नहीं करते हैं, मतलब मॉर्निंग टाइम में जब धूप आती है। तो जब मैं छोटा था तो मेरे पापा क्या बोलते थे, विशु बेटा जाओ अंदर से और बुक लेकर आओ। एंड आई वाज लाइक, एंड दोज आर द डेज ऑफ वीकेंड्स, सैटरडे एंड संडे जब हम घर पे रहते थे। तो जब पापा की मॉर्निंग शिफ्ट होती थी तो चलो अच्छा था कि यार घूमेंगे, खेल लेंगे, बाहर चले जाएंगे दोस्तों के साथ। लेकिन जब पापा की सेकंड शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट होती थी तो पापा घर पे ही रहते थे जनरली। सो क्या होता था कि बुलाते थे और बोलते थे चलो बेटा बुक लेके आओ, और फिर डर लगता था और फिर पढ़ने बैठा देते थे पापा, और फिर पापा बाहर बेंच पे बैठा के वहाँ हमको पढ़ाते थे। और वो भी एक समय था यार कि मतलब सोच के देखो समय कितना जल्दी निकल गया। और अभी हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ फोटो शूट कराना है, और देखो आज हम शिना अपने कर रहे हैं, कुछ दिन में शिना चल कर फिर आएगा, ये भी रहेंगे हम यहाँ। तो आज की हमारी हुई सैर सपाटा ख़त्म, ज़्यादा देर भी रखना सही नहीं है बाहर धूप में। सो कैसा लगा आप सभी लोगों को नज़ारा, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फ़ोटोज़ हमने ली हैं, आप देख रहे होंगे ब्लॉग में,
बहुत प्यारी फोटोज आई हैं, पता नहीं क्यों कनाडा में कहीं भी खड़े हो जाओ यार आपकी फोटोज अच्छी आ जाती हैं। एंड आपको जगह पे जाने की जरूरत, हाँ मतलब यहाँ कोई स्पेशल इफेक्ट या फिर कोई स्पेशल लोकेशन चूज करने की जरूरत नहीं, हर लोकेशन ही स्पेशल है यहाँ पे, इतना प्यारा व्यू है। सो वॉक विद शिनॉय का व्लॉग अब हम एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा व्लॉग ना बनाते हुए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले व्लॉग में। अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। पेरेंटल लीव कैसे अप्लाई करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको अब अगले व्लॉग में बताऊंगा, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए और जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को करते रहिए। See you guys. Bye bye.